हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है अमरपाल नाथ। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि रोड, स्ट्रीट और एवेन्यू में क्या फर्क है, जबकि इन तीनों का मतलब सड़क या रास्ता होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखें कि इन तीनों में क्या फर्क है। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को टाइप कीजिए और मैं आपके डाउट्स पर वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रोड के बारे में जानते हैं। उस सड़क को हम रोड कहते हैं जो दो अलग अलग जगह को जोड़ती हो और जहां हर तरह की गाड़ियां या मोटर गाड़ियां चलती हों। और इस तरह का रास्ता या सड़क आमतौर पर शहर या बस्ती के बाहर होती है, जैसा कि आप इस पिक में समझ सकते हैं। इस तरह का रास्ता जो शहर या कस्बे के बाहर होती है, हम रोड कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखें कि स्ट्रीट किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, उस तरह का रास्ता जो कस्बे या शहर के अंदर हो, जहां लोग पैदल या टू व्हीलर या फोर व्हीलर से आने जाने का काम करते हैं। यानी इस तरीके के रास्ते पर शहर वाले अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले सफर को गुजारते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप इस बात को इस पिक्चर के जरिए समझ सकते हैं। इस तरह का रास्ता जो कस्बा के अंदर होती है या शहर के अंदर होती है, उसे हम स्ट्रीट कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखें कि एवेन्यू क्या होता है। उस तरीके का रास्ता जिसके दोनों तरफ पेड़ पौधे हों या जंगल झाड़ियां हों, तो इस तरीके के रास्ते को हम एवेन्यू कहते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप इस बात को इस पिक्चर के जरिए समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप रोड, स्ट्रीट और एवेन्यू के बारे में डिटेल से समझे होंगे कि हम किस तरह के रास्ता के लिए रोड और किस तरीके के रास्ता के लिए स्ट्रीट और किस तरीके के रास्ता के लिए एवेन्यू का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके डाउट्स पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाय गाइस, दिस इज तौकीर आलम हियर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर यह मेरा दूसरा वीडियो है और आज हम यहाँ सीखेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, यानी उस कंडीशन में एक डायरेक्ट सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। हमने पार्ट वन में सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ताकि मैं आपके याद को तरोताजा कर सकूं। तो चलिए पहले इसे चेंज करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जब रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होगा। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब लिखिए, से के जगह पर टेल लिखा जाएगा। ये बात मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया। मैंने रिपोर्टिंग वर्ब लिखा ही विल टेल मी। आइए अब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करें। आपको यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, उसके जगह पर आपको दैट लिखना होगा। रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी पर्सन हैं सब चेंज हो जाएंगे। तो पर्सन कैसे चेंज होते हैं, यह बात मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और अगर इसमें सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। सबसे पहला हमारा पर्सन है फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी आई ही में चेंज हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद यहाँ एम लिखा हुआ है, लेकिन आप इज लिखिए, क्योंकि आई के साथ एम लिखा जाता है जबकि ही के साथ इज का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक सेकेंड पर्सन दिख रहा है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार योर हर में बदल जाएगा। आगे लिखा हुआ ब्रदर, आप भी उसको हूबहू लिखें। फिर आपको यहाँ पर एक पर्सन दिखा फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी आई ही में चेंज हो जाएगा। यहाँ सैल लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ विल लिखेंगे, क्योंकि आई वी के साथ सैल लिखा जाता है, बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं।
यहां सेव लिखा हुआ है, आप भी सेव लिखिए। और आपको यहाँ एक सेकेंड पर्सन मिला और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी आप यू हर में चेंज हो जाएगा, आप लिखेंगे हर, यानी ये पूरी तरीके से चेंज हुआ। ही विल टेल मी दैट ही इज हर ब्रदर सो ही विल सेव हर फ्रॉम एनी डेंजर। आइए अब देखें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो हमें कैसे चेंजिंग करना है। He said to me, I am your friend. यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि डायरेक्ट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें तीन जगह चेंजिंग लानी होती है। पहला, पर्सन को चेंज करें, जो मैंने आपको पहले वीडियो में डिटेल से बताया। दूसरा, टेंस में चेंजिंग करें, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। और तीसरा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करें, जो मैं इसके बाद बताऊंगा। तो चलिए देखें, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो हमको टेंस कैसे बदलना है, और साथ ही साथ हम पर्सन को भी चेंज करेंगे, लेकिन हमारा फोकस टेंस पर रहेगा। ही सेड टू मी, आई एम योर फ्रेंड, मुझे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, बहुत आसान है। ही सेड की जगह पर आप लिखेंगे टोल्ड। जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टोल्ड में बदल जाता है। आइए अब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करें। इनवर्टेड कॉमा के जगह पर आपको दैट लिखना होगा। अब यहाँ पर एक पर्सन आया है जिसे आपको चेंज करना है, और आई फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, यानी आई ही में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इज लिखा हुआ है, लेकिन हम इज आरम के जगह पर वाज वर का यूज करेंगे, यानी हम लिखेंगे वाज। ऐसा क्यों? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी इज आरम के जगह पर आप इज आरम ही लिखेंगे, वाज वर के जगह पर वाज वर ही लिखेंगे। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस में चेंजिंग होता है। कैसे होता है आप यहां देखें, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज करें, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करें, पास्ट परफेक्ट कोई चेंजिंग नहीं और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कोई चेंजिंग नहीं। शैल विल शुड और वुड में चेंज हो जाएंगे, मे माइट में चेंज करें, इज आरम वाज वर में चेंज हो जाएंगे, हैव हैड हैड में चेंज हो जाएगा, वाज वर हैड बीन में चेंज होगा। यहां आप गौर करेंगे वाज वर हैड बीन में चेंज होगा, और हैड या हैड टू हैड हैड टू में चेंज हो जाएगा। अक्सर लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको मैं एक बार और कहूंगा, वाज वर हैड बीन में चेंज होगा जबकि had, had, had में चेंज होगा। could, should, would, might, no changing, यानी इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये पैटर्न याद रखें, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए इसे चेंज करते हैं। इज आरम की जगह पर वाज वर लिखा जाएगा, मैंने यहाँ पर वाज लिखा क्योंकि ही के साथ वाज ही लिखा जाता है। योर सेकेंड पर्सन है जो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, तो योर मी में चेंज हो जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे माई। कई बार लोग सोचेंगे कि माई क्यों मी क्यों नहीं, तो मैंने पार्ट वन में इसे डिटेल से बताया। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि पर्सन चेंज होते हैं लेकिन उनका केस चेंज नहीं होता है, यानी अगर वो सब्जेक्ट के केस में हैं तो हमको सब्जेक्ट वाला केस ही लिखना होगा, अगर ऑब्जेक्ट के केस में है तो ऑब्जेक्ट वाला केस ही लिखना होगा। और फ्रेंड की जगह पर लिखेंगे फ्रेंड, यानी इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये चेंज होकर हुआ, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड, ही सेड टू हर आई एम टू हेल्प यू। कैसे चेंज करें? बेहद आसान है, ही टोल्ड, इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज करिए, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो आई ही में चेंज हो जाएगा, हम लिखेंगे ही। इजारत की जगह पर वाज वर लिखिए, एक बचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर का यूज करते हैं, यहाँ आपको टू दिख रहा है आप भी उसको लिखिए, हेल्प को हेल्प ही लिखिए। और यहाँ आपको एक पर्सन दिख रहा है जो है सेकेंड पर्सन,
और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी यू हर में चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज टू हेल्प हर, और ये चेंज हुआ। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आ सके। वी आर गिविंग यू अ गिफ्ट, कैसे चेंज करेंगे? बेहद आसान है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट का यूज कीजिए। आइए अब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करें। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी वी दे में चेंज हो जाएगा तो हम लिखेंगे दे। यहाँ लिखा है आर, लेकिन आप लिखेंगे वर्ब, क्योंकि इजारम वाजवर में चेंज हो जाएंगे। हूबहू आप उसको कॉपी करिए। और यहाँ आपको मिला सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी यू अस में चेंज हो जाएगा। आगे लिखा है अ गिफ्ट, यानी ये चेंज होकर ऐसे हुआ, दे टोल्ड अस दैट दे वर गिविंग अस अ गिफ्ट। सेट के जगह पर टोल्ड किया गया, क्योंकि जब सेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो सेट टोल्ड में बदल जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट लिखा गया, उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज हुआ, इज आरम वाजवर में चेंज हो गए, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, और बाकी सब कुछ सेम है। आइए दूसरे वाले को भी चेंज करें। ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू टेक योर पेन, सेट के जगह लिखिए टोल्ड, टू नहीं लिखेंगे क्योंकि टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं होता। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज कीजिए। आई या फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, यानी आई ही में चेंज हो जाएगा, हम लिखेंगे ही। वॉन्ट को हम वॉन्टेड लिखेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। टू के जगह पर लिखेंगे टू और टेक को लिखे टेक। अब आपको यहाँ सेकेंड पर्सन मिलेगा योर, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, यानी योर मी में चेंज हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माई, और पेन के जगह पर लिखेंगे पेन, यानी ये चेंज होकर ऐसे हुआ, ही टोल्ड मी दैट ही वॉन्टेड टू टेक माई पेन। इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो गया, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ तो हो गया ही, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था आई वॉन्ट, तो आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, जैसा कि मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। टू के लिए आपने लिखा टू, टेक के जगह पर टेक, लेकिन योर के जगह पर आपने लिखा माई, और पेन के जगह पर आपने लिखा पेन, और ये चेंज हुआ। ही सेड टू देम आई हैड अ कार, कैसे चेंज करेंगे? बेहद आसान है, ही, ये रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टोल्ड में चेंज हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट का यूज कीजिए, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो हम लिखेंगे ही। हैड चेंज हो जाएगा डबल हैड में, और अकार के जगह लिखिए। हो सकता है आप सोचें यहाँ डबल हैड क्यों, तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हैड लिखा है तो इन डायरेक्ट स्पीच में हैड 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 में बदल जाता है। आई वॉज अ क्वीन, इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, बेहद आसान है। सी, हमें यहाँ पर सेट को टोल्ड में बदलने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सेट को टोल्ड में तब चेंज करते हैं जब सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, और आप देख सकते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट का यूज कीजिए। यहाँ आपको दिख रहा है फर्स्ट पर्सन, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी आई शी में चेंज हो जाएगा, तो हम लिखेंगे शी, और वाजवर के जगह पर हम लिखेंगे हैड बीन, यह बात मैंने आपको पहले चार्ट में बताया। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट का यूज कीजिए। यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन, जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यानी आई ही में चेंज हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ही। यहाँ आपको लिखा है जो हैड में चेंज हो जाएगा, यानी ये चेंज होकर हुआ ही सेड दैट ही हैड अ फ्रेंड, कैसे चेंज हुआ? इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट लिखा और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया तो ये हो गया ही, हैव को हैड में चेंज कर दिया, और बाकी सब कुछ वही है। दे सेड वी शुड वॉशिंग, बेहद दीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा केयर कीजिए, हमें यहाँ टूल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर लिखिए दैट, और ये आपको दिख रहा है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी वी दे में चेंज हो जाएगा, तो हम लिखेंगे दे।
शुड के लिए लिखेंगे शुड, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं। मैंने आपको चार्ट में बताया कि वुड, शुड, कुड, माइट चेंज नहीं होते हैं। और वर्शिप के लिए लिखिए वर्शिप, दे सेड दैट दे शुड वर्शिप, सी सेड आई हेट यू। चलिए इसको चेंज करें। और यहां पर एक खास बात है जो आपको जानना होगा फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन यहां तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बाय गॉड अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में आप यहां अपने मर्जी के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। यहां आप फ्री हैं, आप चाहे तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, चलिए करके देखते हैं। मैंने यहां अपने मन से मी लिखा, मैं चाहता तो हिम भी लिख सकता था। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज कीजिए और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करिए, यानी आई शी में चेंज हो जाएगा तो लिखा जाएगा शी। हेट ये फर्स्ट फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म में करिए, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। यह बात मैंने आपको चार्ट में बताया। यहां आपको सेकेंड पर्सन यू दिख रहा है और यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, तो आपने ऑब्जेक्ट मी माना है, यू मी में चेंज हो जाएगा तो आप लिखेंगे मी। और ये चेंज हुआ, सी टोल्ड मी दैट सी हेटेड मी। तो फ्रेंड्स, जब कंडीशन ऐसा हो कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आया हो, तो आप अपने मन से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। She said, अमन आई लाइक यू। अगर रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन यानी एड्रेसिंग के तौर पर किसी का नाम आया हुआ है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस एड्रेसिंग वर्ड को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कैसे, खुद देखिए। सी टोल्ड अमन, मैंने अमन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब संबोधन के शब्द यानी एड्रेसिंग वर्ड के तौर पर कोई नाउन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इनवर्टेड कॉमा के जगह पर लिखिए दैट और बाकी आप चेंज कर लीजिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई शी में चेंज हो जाएगा तो आप लिखेंगे शी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करिए, आप लिखेंगे लाइक्ड। और यहां आप देख रहे हैं सेकेंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे हिम। आप सोचेंगे हिम क्यों, अमन क्यों नहीं, तो मैं कहूंगा अमन किसी पुरुष का नाम है और किसी मेल के लिए ही सब्जेक्ट केस में और ऑब्जेक्ट केस में हिम लिखा जाता है। अगर यहाँ किसी लड़की का नाम रहता तो हम सब्जेक्ट केस में सी लिखते और ऑब्जेक्ट केस में हर का यूज करते। आप सोच रहे होंगे क्या यहाँ हिम के जगह पर अमन लिखा जा सकता था, तो मैं आपसे कहूंगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नाउन है तो उसका प्रोनाउन लिखना अच्छा माना जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हिम। सी सेड टू मी वेल आई शैल डू। चलिए इसको चेंज करें। यहां मुझे यह बताना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ओ, वेल या ओके ऐसे शब्द हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन सभी शब्दों को लोप कर दिया जाता है या उनको गायब कर दिया जाता है। कैसे, चलिए एग्जांपल में समझें। सी टोल्ड मी, इनवर्टेड कॉमा के जगह पर लिखिए दैट और वेल को छोड़ दीजिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो आप लिखेंगे शी, सैड बदल जाएगा शुड में और डू के जगह पर लिखिए डू। शी टोल्ड मी दैट शी शुड डू और ये चेंज हुआ। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में वेल, ओ, ओके ये सब शब्द हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें छोड़ दिया जाता है या इन्हें लोप कर दिया जाता है। कई बार आपको ऐसे डायरेक्ट सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं, पहले रिपोर्टेड स्पीच और बाद में रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब शुरू में और बाद में हो सकता है, लेकिन जब आप इसका इनडायरेक्ट करें तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा शुरू में ही लिखेंगे।
कैसे? जैसे आपने पहले किया, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिखिए दैट। आप सोचेंगे यहां पर मी तो नहीं लिखा था, तो फिर मैंने क्यों मी लिखा? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यू ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा, तो आपको कोई ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे आई, आर के जगह पर लिखेंगे वॉज, और ब्यूटीफुल की जगह पर लिखेंगे ब्यूटीफुल। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज ब्यूटीफुल, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में था लेकिन मैंने उसको पहले लिखा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज किया, बाकी सब पुरानी बातें। फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तीन बातें जानना जरूरी होता है। पहला, पर्सन को चेंज करना, जो हमने पार्ट वन में सीखा। दूसरा, टेंस में चेंजिंग लाना, जो हमने अभी सीखा। और तीसरा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजिंग करना, जो हम अब सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखें अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे चेंजिंग होती है। फ्रेंड्स, अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में नजदीकी दिखलाने वाले अगर वर्ड आएंगे, यानी अगर कोई ऐसा वर्ड आएगा जिससे नजदीकी का पता चलेगा, तो हम उसको दूरी सूचक शब्द में बदल देंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में दिस आया रहेगा तो हम उसको दैट में चेंज करेंगे, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, हेयर को देयर में चेंज करेंगे, हैंस को देंस, नाउ देन, दस सो, टुडे दैट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, आपको एक एक करके मैं बताता जाऊंगा। अगर डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय दिस दैट में चेंज होगा, दीज दोज में चेंज होगा, हियर देयर में चेंज करेंगे, हैंस देंस में, नाउ देन और दस सो में चेंज करेंगे, जबकि टुडे दैट डे में चेंज होगा, यस्टरडे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, द डे बिफोर यस्टरडे को टू डेज बिफोर में चेंज करेंगे, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज होगा, द डे आफ्टर टुमारो इन टू डेज टाइम में चेंज होगा, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर ईटीसी द फॉलोइंग वीक या ईयर में चेंज होगा, लास्ट वीक या लास्ट ईयर द प्रीवियस वीक या ईयर में चेंज होगा, अ ईयर एगो अ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर में चेंज होगा। तो जब आपके डायरेक्ट स्पीच में ये सभी नजदीकी सूचक शब्द आएंगे तो आपको इनकी जगह पर दूरी सूचक शब्द यानी ये वाले लिखने होंगे। चलिए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, मैंने यहां पर ब्लू कलर से लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि चेंजिंग वही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी सेड के जगह पर हम लिखेंगे सी सेड, यानी यहां पर कोई चेंजिंग नहीं है। कभी कभी सेड के जगह पर टोल्ड लिखा जाता है, ऐसा तब किया जाता है जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। यहां ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो सेड भी टोल्ड नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम लिखते हैं दैट। अब आपको यहां एक पर्सन दिख रहा है आई, और इसको आपको चेंज करना होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई सी में चेंज हो जाएगा, हम लिखेंगे सी। अब यहां आपको एम दिख रहा है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग होगा। अगर इज आरंभ है तो आपको वाज वर्ब लिखना पड़ेगा, तो यहां पर आप लिखेंगे वाज। ग्लैड की जगह पर लिखिए ग्लैड, टू बी। अब यहां आपको एक नजदीकी सूचक शब्द मिलेगा हेयर, तो आपको इसे देयर में बदलना होगा, यानी आप हेयर के लिए लिखेंगे देयर। उसके बाद आपको फिर एक और नजदीकी सूचक शब्द मिला दिस, और दिस को हम दैट में चेंज कर देते हैं, तो आप लिखेंगे दैट। आगे लिखा इवनिंग, आप लिखिए इवनिंग, और ये चेंज हुआ। क्या आपने चेंजिंग किया?
आपने पर्सन चेंज किया, आई को सी में चेंज कर दिया। दूसरा, आपने टेंस में भी चेंजिंग किया, इजारा को वाइवर में चेंज कर दिया। और अगला, यहां दो नजदीकी सूचक शब्द थे, आपने दोनों को दूरी सूचक शब्द में चेंज कर दिया। और ऐसा करके आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर पाए। ही सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय, वह कहा मैं अभी इस लड़के से बात कर रहा हूं। चलिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। ही सेड की जगह लिखेंगे ही सेड, यानी सेम बात लिखिए, कोई भी चेंजिंग नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज कीजिए। यहां आपको एक पर्सन दिख रहा है आई, और ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आप यहां लिखेंगे ही। इज आरम वाइवर में चेंज हो जाते हैं, आप लिखेंगे वॉज। नाउ यह एक नजदीकी सूचक शब्द है, आपको दूरी में बदलना होगा, जो होता है देन, तो आप लिखेंगे देन। आगे स्पीकिंग लिखा है, आप हूबहू कॉपी करिए, टू के जगह पर वही लिखा जाएगा। फिर आपको एक नजदीकी सूचक शब्द मिला दिस, और ये बदल जाएगा दैट में, और बॉय के जगह पर लिखेंगे बॉय। और फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुआ। क्या क्या चेंजिंग हुआ? इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट लिखा गया, आई को चेंज किया गया तो वह ही में चेंज हो गया, एम को चेंज किया गया तो वह वाज हो गया, नाउ को चेंज किया गया तो वह देन हो गया, और दिस को चेंज किया गया तो वह दैट हो गया। इतना आपको चेंजिंग करना हुआ और ये इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। सी सेड आई शैल डू दिस टुमारो, आपको यहां पर दो नजदीकी सूचक शब्द मिलेगा जिसे हम दूरी में चेंज करेंगे। चलिए करते हैं। सी सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिखे दैट, आई शैल डू दिस टुमारो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, हो जाएगा शी, शैल की जगह पर शुड लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि शैल शुड में और विल उड में चेंज होता है। डू के लिए लिखिए डू, लेकिन दिस के जगह पर आप लिखेंगे दैट, और टुमारो के जगह पर आप लिखेंगे द नेक्स्ट डे, यानी ये चेंज होकर ऐसे हुआ, शी सेड दैट शी शुड डू दैट द नेक्स्ट डे, दिस दैट में चेंज हुआ और टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हुआ। आइए कुछ बात जरा अपवाद की कर लें, यानी एक्सेप्शन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात हो जो सदा सत्य हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर कोई सिद्धांत हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं लाएंगे। जैसे ही शेड दैट द अर्थ इज राउंड, हम इसको हूबहू लिख देंगे, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। He said that the earth is round. He said work is worship. कैसे इसको चेंज करेंगे? He said that work is worship. हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट का यूज किया है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर कोई सिद्धांत हो, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह एक सिद्धांत है, तो जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह के सिद्धांत रहेंगे या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, तो हमको उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। He said 2 and 2 is 4. तो हम कहेंगे He said that 2 and 2 is 4. तो अब आप तीनों पॉइंट सीख चुके हैं कि पर्सन कैसे चेंज करना है, टेंस कैसे चेंज करना है, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे चेंज करना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स जल्दी ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर मैं पार्ट 3 लेकर आऊंगा, आप उसे देखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।